हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स, हमने सॉल्व किया एग्जांपल 5, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन, चैप्टर 18 से, क्लास 8 की बुक है, आर एस अग्रवाल। गिवन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। दिस फिगर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी एंड डी सी आपस में पैरेलल हैं। ए बी इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर गिवन है। सी डी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर गिवन है। ए डी इज इक्वल टू 28, दिस ए डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है। मीन्स नॉन पैरेलल साइड्स डिफरेंट लेंथ के इसमें गिवन है फ्रेंड्स। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था, उसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स थी वो इक्वल थी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट हैं। देन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने ड्रॉ कर लिया है सी एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी एम पैरेलल टू ए डी मीटिंग ए बी एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। ओके फ्रेंड्स, मीन्स हमने सी एल परपेंडिकुलर खींचा है ए बी पे, जो एल पे मिलता है। इसी तरीके से सी एम और डी ए पर पैरेलल है, जो कि ए बी पे एम पर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से क्लियर है कि ए एम सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। ए एम सी डी, देन क्या होगा, इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। तो यहाँ पे हमें सी एम क्या मिल गया, 28 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी भी 28 है। इसी तरीके से डी सी 52 सेंटीमीटर है, सो ए एम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ए एम मिल गया, इससे हम एम बी भी फाइंड कर सकते हैं। एम बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए एम। ए बी में से ए एम को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम बी। ओके फ्रेंड्स, मीन्स 78 माइनस 52 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ये हो गया एम बी। ओके फ्रेंड्स, अब हम ट्राइंगल सी एम बी में देख सकते हैं। सी एम बी में तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं। सी एम जो था 28 सेंटीमीटर हो जाएगा इसके इक्वल, इसको हमने एल एड कर लिया है। एम बी, एम बी अभी हमने फाइंड किया है, यहाँ पे 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी बी ऑलरेडी गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको हमने ए बी सी लेट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, देन हम सबसे पहले यहाँ पे एस फाइंड करेंगे। एस क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स तीनों साइड्स का सम का आधा जो है वो एस कहलाता है। तीनों साइड्स का सम क्या हो जाएगा, 28 प्लस 26 प्लस 30, ये तीनों साइड्स हैं, इनका सम आ गया 84 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। मीन्स हमें एस की क्या वैल्यू मिली है, 42 सेंटीमीटर। अब इसका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम बी। सी एम बी का एरिया निकाल लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और स्क्वायर यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अब सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ ये गिवन है और एस हमने 42 फाइंड किया है। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ पुट की है, हमें मिला है अंडर रूट में 42 इंटू 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 इंटू 42 माइनस 26 इज इक्वल टू 16 इंटू 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12। अंडर रूट में है ये सारा को सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, इसे हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम और भी ब्रेक कर देंगे। 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6, इंटू में 14 को हमने लिखा है 2 इंटू 7, इंटू 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, या तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटू में 12 को हमने लिखा है 2 इंटू 6, अंडर रूट में है ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है, मीन्स 7 स्क्वायर। इंटू 6 2 टाइम्स है, मीन्स 6 स्क्वायर। इंटू 2 2 टाइम्स है, 2 स्क्वायर। इंटू 4 2 टाइम्स है, 4 स्क्वायर। ओके, ये सब कुछ अंडर रूट में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन सारा कुछ स्क्वायर है और अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। देन हमें क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल सी एम बी का। इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम जानते हैं, एक और फार्मूला ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ हम फिगर से समझेंगे फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल है सी एम बी, यहाँ पे बेस हो गया एम बी, हाइट हो गई सी एल। ओके फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, सी एल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, 1/2 इंटू एम बी, एम बी यहाँ से हम देखते हैं क्या है, 26 है। 26
इंटू सी एल इज इक्वल टू 336। ये एरिया जो हमने फाइंड किया था इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। 13 इंटू सी एल इज इक्वल टू 336 एंड सी एल इज इक्वल टू 336 अपॉन में 36 सेंटीमीटर। ये हो गया फ्रेंड्स सी एल मीन्स हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, या तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब इजीली हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रेपेजियम का एरिया, यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, या तो पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस है वो। स्क्वायर यूनिट्स ए बी सी डी ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू सी एल। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 इंटू ए बी 78 गिवन है, डी सी 52 गिवन है, एन सी एल हमने फाइंड किया है 336 अपॉन में 13। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट की इसको सॉल्व करेंगे, 78 प्लस 52 इज इक्वल टू 130 इंटू 336 अपॉन 13 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे, 13 1 जा 13 13 10 जा 130 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 168। सो 168 इंटू 10 इज इक्वल टू 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रेपेजियम को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टी आर ए पी करके। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इजीली ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया है, जो कि आया है 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज आस्क एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन।